बुद्ध कहते हैं कि जो काम बोधहीनता में किया जाए वह पाप है और जो काम जागरूकता में किया जाए वह पुण्य। जागरूकता का पूरा श्रेय हमारे होश से जाता है। आइए इसे समझते हैं कि आखिर बुद्ध बोधहीनता और जागरूकता की बात क्यों करते हैं। एक व्यक्ति बुद्ध से पूछते हैं कि हे बुद्ध, क्या अच्छा है और क्या बुरा। बुद्ध कहते हैं, इस पर कभी ध्यान नहीं देना कि आपका हरेक काम हर स्थिति में भला हो सकता है या आपका हरेक काम हर स्थिति में बुरा हो सकता है। कभी कोई बात पुण्य हो सकती है और कभी कभी वही बात दूसरी स्थिति में पाप भी हो सकती है। अगर तुम क्रोध को जागरूकता पूर्वक कर सको तो वह पुण्य है, और अगर वही क्रोध को बिना होश के अवस्था में करो तो वह पाप है। यहां पर जरा फर्क समझिएगा कि हर क्रोध पाप नहीं होता और हर क्रोध पुण्य नहीं होता। आपने अक्सर ये देखा होगा कि जब भी माँ अपने बेटे पर क्रोध करती है तो वे उनके भले के लिए ही करती है, तो वहां पर यह जरूरी नहीं है कि वह पाप हो, शायद पुण्य भी हो। क्योंकि अगर माँ अपने बेटे पर क्रोध नहीं करे तो शायद उनका बेटा बिगड़ सकता है। इसलिए बुद्ध का यह कहना था कि जो भी काम किया जाए वह होश के साथ किया जाए। अब बात यहां पर यह आती है कि हमें अपने जीवन को होश पूर्वक जीना चाहिए, लेकिन क्या आपने कभी विचार किया है कि आखिर ये होश क्या है? आखिर हम होश में कैसे आ सकते हैं? क्या अभी हम जो जीवन जी रहे हैं वह बेहोशी में तो नहीं है? क्योंकि हमारा मन हमारे जीवन के केवल एक ही पहलू में ध्यान देने लगता है। वैसे तो देखा जाए तो हमारा यही मन हमें इस दुनिया के चारों तरफ घुमाता रहता है, हमें सब कुछ दिखाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये हमें खुद से ही परिचित नहीं होने देता, और इसकी वजह से ये हमारा मन हमें अपने आप से परिचित होने से दूर रखता है, और हम अपने आप से परिचित ना हो जाए इसीलिए ये हमें झूठी सुख दिखाते रहता है। हम सिर्फ सुख को ही देखते हैं। हमारे जीवन में जो भी तात्क्षणिक सुख है हमें सिर्फ वही दिखता है, उसके पीछे का दुख हमें नहीं दिखता। क्योंकि अगर उसके पीछे का दुख हमें दिखने लगेगा तो ये मन का माया जाल टूटने लगेगा, और यही तो मन नहीं चाहता है। और इसी वजह से हम इस दुनिया में घूमते रहते हैं झूठी सुखों के पीछे। हम कभी भी अपने आप को नहीं जान पाते हैं। ठीक इसी तरह एक व्यक्ति बुद्ध से पूछते हैं कि हे बुद्ध, होश क्या है? हम कैसे होश पूर्वक रहें? बुद्ध बताते हैं कि होश को इतने अच्छे से नहीं समझा जा सकता जब तक कि आपकी थोड़ी आंखें या समझ खुली हुई ना हो। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक शराबी व्यक्ति नशे में मग्न होकर अपने घर की ओर जा रहा था। वह बिल्कुल भी होश में नहीं था। रास्ते में चलते वक्त उसे एक रास्ते दो दिखाई देते थे, सभी चीजें दो दो दिखाई देती थी, लेकिन देखा जाए तो वो शराब के नशे में मग्न था, इसीलिए वो होश में नहीं था। लेकिन वास्तव में हम भी तो होश में नहीं है। हम सब मनुष्य एक जैसे हैं, हम सभी को एक ही जगह जाना है, लेकिन फिर भी हमें उसमें भेदभाव नजर आते हैं। काला मनुष्य, ऊंचा मनुष्य, गोरा मनुष्य, नीचा मनुष्य, अमीर गरीब, देखा जाए तो ये पृथ्वी भी एक है, लेकिन फिर भी उसमें हमें कई देश नजर आते हैं। ठीक इसी तरह उस शराबी को एक ही रास्ता अनेक नजर आ रही थी। उनका चल पाना भी मुश्किल हो रहा था। फिर बड़े ही शांत और सावधानी से उस शराबी ने एक रास्ते को पकड़ा और उस पर चलना शुरू किया। उनके कदम बड़े ही डगमगा रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वह दूसरे रास्ते पर नहीं चला जाए, लेकिन उन्हें यह भी विश्वास था कि वह अपने हिसाब से सही चल रहा है। उसे लग रहा था कि वह बिल्कुल होश में था। आगे चलते चलते उसे एक मित्र मिलता है। वह व्यक्ति उस शराबी से पूछता है कि अरे भाई, कहां जा रहे हो? शराबी बोलते हैं कि तुम मुझे मत छेड़ो, तुम मुझे मेरे हाल में छोड़ दो, नहीं तो मैं अपने रास्ते से भटक जाऊंगा। वास्तव में मैं अपने घर जा रहा हूं। फिर शराबी की बातें सुनकर वह व्यक्ति आश्चर्य से उन्हें कहता है, पर यहां पर तो एक ही रास्ता है और यही रास्ता सीधे तुम्हारे घर तक ले जाएगा। शराबी ने उन्हें कहा, क्या तुम नशे में हो? यहां पर तो चार रास्ते दिख रहे हैं, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुम दूसरे रास्ते पर खड़े हो? इतना कहकर शराबी वहां से चला जाता है। आगे चलते चलते उन्हें एक पेड़ दो नजर आते हैं, और किसी कारणवश वह पेड़ से टकरा जाता है, क्योंकि वह एक पेड़ जो उन्हें दो दिख रहे थे वह उन दोनों के बीच से जाना चाहता था।
उन्होंने बार बार कोशिश की, लेकिन वह बार बार टकराता रहा और गिरता रहा। गिरते गिरते उनकी दिशा बदल गई और वह जंगलों में चला गया। जंगल इतना घना था कि वहां पर सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे। उसके बाद उनको समझ में आया कि वह एक घने जंगल में फंस गया है, वह यहां से निकल नहीं पाएगा। मित्रों, ये कहानी सिर्फ शराबी के साथ नहीं है, ये कहानी हम सभी लोगों के साथ है। हम अपने मन के अधीन हैं। ये मन का नशा हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है, क्योंकि हमारा मन ही हमारी इंद्रियों से शक्ति प्राप्त करता है और हमें इंद्रिय सुख दिखाता रहता है। हमें इस कदर बेहोश कर देता है कि हम कुछ देख ही नहीं पाते हैं। हम सब एक ही रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि हम सब अपनी अपनी अलग मार्ग पर चल रहे हैं। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए, सबके रास्ते अलग हैं, लेकिन सबको जाना एक ही जगह है। हम सारा दिन काम करते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, हमें लगता है कि हम सभी अलग हैं। हमारी मंजिलें अलग है, हमारे रास्ते अलग है, हमारी चाहत भी अलग है। लेकिन अगर होश पूर्वक देखा जाए तो ये पता चलेगा कि हमारा रास्ता एक ही है, और वह है जीवन का रास्ता। हमारी मंजिल भी एक ही है, और वह है मृत्यु को प्राप्त करना। फिर भी हम सब अलग अलग नजर आते हैं। हम सभी समझदार हैं, हम ये सब कुछ जानते हैं कि हम होश में हैं। उस शराबी की तरह हम सभी लोग अपने अपने रास्ते पर चल रहे हैं, अपने निर्णय लेते हैं। और ये अपना अपना कौन करता है, ये हम सभी को अलग कौन करता है, ये कौन दिखाता है कि हम सभी अपने अपने रास्ते पर चल रहे हैं? ये है हमारा अहंकार। ये हमें सबसे अलग कर देता है। ये हमें ये दिखाता है कि मैं ही एक श्रेष्ठ व्यक्ति हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। और इसी तरह हम वासना में भी गिरे हुए हैं। हर वो चीज पाने की वासना जो हमें हमारी मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि हमारा मन हमें वे भौतिक चीजों में सुख दिखाता है। बहुत से लोग तो काम वासना में गिरे हुए हैं, उन्हें अपने घर में सुख नजर आता ही नहीं। आजकल के दुनिया में लोगों को यही लगता है कि अगर हम दिन रात मेहनत करते हैं, धन दौलत कमाते हैं, तो यह हमारी सुख है। और लोग अपने धन को देखकर, अपने धन दौलत को बढ़ता हुआ देखकर बहुत खुश होता है। लेकिन शायद इसी बीच उनके परिवार भी हैं, उनके परिवार में सदस्य भी हैं। धन कमाने के चक्कर में इतना समय निकल जाता है कि शायद उन्हें ये पता भी नहीं चलता कि वह अपने परिवार वालों के साथ अजनबियों की तरह रह रहा है। और वे लोगों को ये लगता है कि वह सभी लोग दुखी हैं। उनके पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, लेकिन वे लोग सुखी नहीं हैं। तो क्या ऐसी हालत में वह व्यक्ति अपने होश में है? वह ये नहीं जानता है कि उन्होंने क्या खो दिया है, क्योंकि मंजिल तो सबकी एक ही है, लेकिन ये लोगों को नहीं दिखता है। जब लोगों के बीच का अहंकार खत्म होगा तो उनके दुख भी खत्म होंगे। लेकिन हमारा मन ये हमें देखने ही नहीं देता, हमें नचाता रहता है, हमें सुख दिखाता रहता है, ताकि हम उनके पीछे के दुखों को ना देख पाए। अब बात यहां पर यह आता है कि होश में आने का क्या तरीका है। बुद्ध कहते हैं कि अपने भीतर जागरूकता को लाओ। जागरूकता का मतलब यह होता है कि अपने हर वो कर्म को देखो, अपने आप को देखो, अपने सुखों को देखो, और सुखों के पीछे आने वाले दुखों को भी देखो, उन्हें समझो। जब तुम अपने सभी कर्मों को देखने लगोगे, तब तुम ये भी देख पाओगे कि सुख आने पर तुम कहीं खुशी के मारे अंधे ना हो जाओ, और दुख आने पर भी तुम कहीं विचलित ना हो जाओ। ये सभी कुछ तुम्हारे भीतर आएगा। सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर जागरूकता को लाना होगा। और बुद्ध के अनुसार जागरूकता को तीव्र करने का एक ही उपाय है, वो है ध्यान करना। जब तुम ध्यान करोगे, तब तुम अपने आप को जानने की कोशिश करोगे, और जब तुम अपने आप को जानने की कोशिश करोगे, तब तुम्हारे भीतर जागरूकता का स्तर बढ़ेगा, जिससे आप अपने जीवन में हर काम को होश पूर्वक करोगे। दोस्तों, अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में जब भी समय मिले, ध्यान करने की कोशिश करें। ऐसा करने से तुम्हारे भीतर जागरूकता का स्तर बढ़ेगा, और अपने जीवन में जो भी काम करें, जागरूकता के साथ करने की कोशिश करें, तब आप उस काम के पीछे सुख और दुख दोनों देख पाएंगे। उस काम से मिलता हुआ सुख को और उसके पीछे के दुख को भी देख पाएंगे। तब ये कहा जा सकता है कि आप होश पूर्वक काम कर रहे हैं। फिर चाहे आपके जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आए, चाहे कितनी भी समस्या क्यों ना आए,
आप कभी विचलित नहीं होंगे, आप कभी भी अपने रास्ते से नहीं भटकेंगे, आप एक सही रास्ते में चलते चले जाएंगे। दोस्तों, वीडियो कैसे लगे कमेंट जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।